जय सियाराम, जय जय सियाराम। हाँ देखिए, नंबर ऑफ जीरो, जी हाँ आपने सच ही सुना, आपने दर्पण खोज लिया, जी हाँ। देखिए नंबर ऑफ जीरो, बहुत दूर से आए हैं और आपके लिए एक बढ़िया सा सवाल, समझने वाला, जो हर परीक्षा में आ रहा है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए करके आप आए हो पहले तो बढ़िया हो, ठीक ना। देखो नंबर ऑफ जीरो, हाँ आपने सच ही सुना, और ये आपके लिए, देखिए अब 3×6×9×12×15×48 बन रहे ना, तब फिर है 4×8×12×16×20, ठीक है, फिर 6×12×18×360। तो ऐसे सवाल को हम जीरो कैसे निकालते हैं, ऐसे सवालों को जीरो, और ये जो है हर परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ताकि बिना देर किए हुए मैं आपको वीडियो आरंभ करता हूँ आपके लिए, तो मेरे वीडियो के साथ अंतरंग बना रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। जी हाँ देखिए, सबसे पहले जिसका गुणज है वो उससे भाग करेंगे, क्या करेंगे, जिसका गुणज हो उस संख्या से भाग लेंगे, ठीक है। हम मान लो 3×480 क्या किलोमीटर, तो 3 से भाग लेंगे, उसके बाद 5 से भाग लेंगे, क्या चीज भाग लेंगे, 5 से भाग लेंगे, उसके बाद में जब तक 5 से भाग देते रहेंगे तब तक वो संख्या पूरी तरह से कट नहीं जाए, ठीक ना। और एक बात और जान लीजिए कि अब पहले 3 से भाग लेते हैं कि जो उतना चाहिए उतना हम नहीं जोड़ते हैं सुनना में, आइए इसे क्यों माने कि 3×6×9×12×15×480 है, ठीक है। अब मान लो कि 480 में हम भाग कर रहे हैं, कितना से पहले 3 से दिन, कितना से देंगे जी, 3 से दिन, तो देखो 3 है कम 3 है ना, अब फिर बच गया कितना, तो 1 बचेगा, ठीक है, तो छोटिया 18, तो छोटिया 48 हो गया, मतलब कि 160 हो गया, कितना हो गया जी, 160 हो गया। अब 160 को जब तक हम भाग देते रहेंगे 5 से, ये तो भी 5 से छोटा नहीं, अब इसको हम कितना से भाग देंगे, 5 से देंगे भाग, कितना से देंगे, 160 से, 160 है, तो देखिए 160 को हम कितना देते हैं, देखिए 5 से, तो 5×15 है ना, 5×15 बाकी आ गया 1×5×10 यानी कि 32 बार, ठीक है। अब 32 भी 5 से बड़ा है, जैसे है ना 32 ना है, 5 से बड़ा है, तो 32 को हम देते हैं 5 भागा, ठीक है, देखो 32 को हम दिए कितना से भागा, 5 से, तो 6×5=30, बाकी आ गया 2, यहाँ बाकी को नहीं लिखना है ना, अच्छा ठीक है। अब 6 भी 5 से बड़ा है, तो 6×5, ठीक है, आ गया 1 है। अब देखिए कितना हो गया, तो 6×2×8=9, और 3×3=39, यानी कि 3×6×9×12×15×480 में जीरो की संख्या कितना होगा, तो 39, कितना हो गया जी, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो मैं समझता हूँ पहले गाइस ये सवाल को आप बढ़िया से समझ गए हैं, इसमें कोई दिमत नहीं है, अच्छा नहीं समझे हैं तो नेक्स्ट सवाल हम अब समझाते हैं इसको क्लियर करके, ठीक है।
देखिए अब 4 × 8 × 12 × 16 × 20 × फिर हर 320 को हम 4 से भाग करें, 4 से क्या करके करेंगे 320 में भागा, 320 में या 320 में 320 में भागा ये कितना से 4 से है ना, तो 8 × 32 है ना, यानी कि एकदम काट लीजिए इसको, काट लो ठीक है, डायरेक्टली काट लेते हैं तो 80 ठीक है। अब 80 भी 4 से अभी ठीक है ना, 5 से अब देंगे भरा 80 में 16 × 5 = 80 16 भी बड़ा है, 16 में फिर 5 की देंगे तो 5 × 15 ठीक है। अब एक जो छोटा है तो उसको छोड़ो, देखो 16 अति कितना 19, तो मैं समझता हूँ तरीकाइश कि यह सवाल भी आप बड़े से समझ गए होंगे और किसी को पूछने पर आप इसका जवाब दे दीजिएगा ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट सवाल भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए अब 6 × 12 × 18 × 360 है ठीक है, तो देखिए इसको पहले मैं 6 से भाग दूंगा, 6 से कितना में 360 को 6 से तो 6 × 36 कट गया ठीक है, 0 कट गया 60 आ गया, आ गया नहीं 6 से भाग के कितना गया 60 और 60 बड़ा है 5 से ठीक है, अब 5 से भाग करेंगे इसको कितना 60 में 60 में ठीक है, तो 12 × 25 = 60 12 भी बड़ा है तब किसे 60 ऐसे 5 से तो 5 से 5 × 10 कई तो अब छोटा हो गया तो कैटू लग गया 10 × 2 कितना हो गया 12 × 2 कितना हो गया 14 हाँ। और एक बात और जानिए पहले जो पहले बार हम भागा देते हैं वो नहीं जुटता है, जो 5 से हम भागा देते हैं से संख्या जो आता है और उसमें 5 से भाग देते हैं तो वही ब्लॉक को जोड़ना है, और जब तक हमको भाग देना है तब तक हुआ 5 से छोटा न हो जाए तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, जय हिंद वंदे मातरम।